इम्पोर्टेंट जेनेटिक्स टर्मिनोलॉजी। अब ये टर्मिनोलॉजी आपको बार बार जो है इस चैप्टर में आएंगे। सो बेस्ट पार्ट ये होगा कि हम इन सारे टर्मिनोलॉजीज को क्लियरली और एकदम अच्छे से समझ लें। तो सबसे पहला टर्म जो हमें समझना है वो है कैरेक्टर। व्हाट इज कैरेक्टर? तो कैरेक्टर को हम कह सकते हैं इट इज डिफाइंड एज फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। इट इज डिफाइंड एज फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म का कोई भी फीचर अगर आप लेके चलते हो तो आप उसे कैरेक्टर का नाम दोगे। एग्जाम्पल में जैसे मान लीजिए आपने हाइट ले लिया, तो हाइट बिकम्स ए कैरेक्टर। या आपने उसके स्किन कलर को ले लिया, तो स्किन कलर बिकम्स अ कैरेक्टर। सो दिस इज द फर्स्ट फीचर। सो ये हो गया पहला टर्म कैरेक्टर। दूसरा जो टर्मिनोलॉजी है उसे हम कहते हैं ट्रेट। अब ट्रेट का डेफिनेशन क्या है? इट इज एन इनहेरिटेबल फीचर, मतलब जो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होता है, तो हम कहते हैं इट इज एन इनहेरिटेबल फीचर। वो फीचर जो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होगा एंड इट्स डिटेक्टेबल वेरिएंट्स। आप जो है इसे आप क्या कर सकते हो? डिटेक्ट कर सकते हो। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज एन इनहेरिटेबल फीचर एंड इट्स डिटेक्टेबल वेरिएंट्स। ये बात ध्यान में रखना। ट्रेट क्या है? तो हम कहते हैं इट इज एन इनहेरिटेबल फीचर एंड इट्स डिटेक्टेबल वेरिएंट जो दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने हाइट बोल दिया, तो हाइट में वो इंसान टॉल हो सकता है या तो डॉफ हो सकता है। सो जो टॉल होना या डॉफ होना ये एक ट्रेट है जो बेसिकली इनहेरिट हुआ नेक्स्ट जनरेशन में और वो दिख रहा है, तो उसे हम क्या कह देते हैं? हम कह देते हैं ट्रेट। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है जो हमें पढ़ना है वो है अलील। अब अलील क्या है? व्हाट इज अलील? टू और मोर ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन। टू और मोर ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन। एक जीन का दो से ज्यादा फॉर्म हो तो उसे हम अलील कहते हैं। अब ये जो अलील है वो क्या करेगा? तो डायग्राम वाइज अगर हम जाएंगे, सो टू आर मोर ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन, व्हाट इट डज? इट ऑक्यूपाइज आइडेंटिकल लोकाई ऑन होमोलॉगस क्रोमोसोम। तो हम कहते हैं ऑक्यूपाइंग आइडेंटिकल लोकाई ऑन होमोलॉगस क्रोमोसोम। तो होमोलॉगस क्रोमोसोम पे बेसिकली आइडेंटिकल पोजीशन अगर वो लेता है तो उसे हम क्या कह देते हैं? अलील। अब सवाल ये उठता है कि जिस अलील की हम बात कर रहे हैं ये अलील टर्म किसने दिया? तो हम कहते हैं जो टर्म है अलील इट वाज गिवन बाय अ साइंटिस्ट हु इज कॉल्ड एज बेट्सन। सो बेट्सन इज द मैन हु गेव द टर्म अलील। अब अलील में हम एग्जांपल क्या दे सकते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए हाइट। अब हाइट में दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, वो है टॉल और डॉर्फ, या फिर आप एक एग्जांपल ले लीजिए कलर, किसी का स्किन कलर ले लीजिए। मान लीजिए स्किन कलर क्या होता है? ब्लैक या वाइट। तो ये जो टॉल और डॉर्फ दिख रहा है ना, इसे जो है हम कहते हैं बेसिकली अलील। अब उसमें से जो दिखा, जो एक्सप्रेस होगा, उसे हम कह देंगे बेसिकली ट्रेट। तो हम ऐसे अगर एक क्रोमोसोम ड्रॉ कर ले फॉर एग्जाम्पल, तो यहां पर एक ही क्रोमोसोम पे आपको दोनों चीजें मिल जाएं। तो जैसे आपने एक बना दिया ये जीन है मान लो हाइट के, तो इसी पे दो ट्रेट, दो अलील है, एक टॉल और एक डॉर्फ। एक ऑप्शन ये है। या फिर हो सकता है ये होमोलॉगस क्रोमोसोम पे आइडेंटिकल पोजीशंस को ऑक्यूपाई करे, मतलब ये होमोलॉगस क्रोमोसोम हो गए तो सेम होते हैं, तो यहां पर भी हाइट का ही है, एक
पे हो गया टॉल और दूसरे पे हो गया डॉर्फ। तो बेसिकली ये ऑक्यूपाई करते हैं आइडेंटिकल लोकाई ऑन द होमोलॉगस क्रोमोसोम। तो कैरेक्टर जो है फीचर है। अब फीचर में आपके पास जो ऑप्शंस आते हैं वो अलील होता है और जो दिख रहा है बेसिकली उसी को आप क्या नाम देते हो, ट्रेट। अब अलील के बाद हमें जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज पढ़नी है वो है फैक्टर। अब फैक्टर शब्द जो है बेसिकली ये फैक्टर शब्द जो है वो किसने दिया हुआ है, तो हम कहते हैं वो फैक्टर शब्द जो है मेंडल ने बार बार यूज किया था। तो फैक्टर था क्या बेसिकली, हम कह सकते हैं फैक्टर इज नथिंग बट यूनिट ऑफ हेरिडिटी जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर हुआ। अच्छा ये क्या था, सो दिस फैक्टर वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहेरिटेंस, इट वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहेरिटेंस एंड एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टर्स। तो जो कैरेक्टर्स एक्सप्रेस हो रहे थे वो सब जो है फैक्टर्स है, एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टर्स। लॉजिकली आज हम सबको ये बात पता है कि जिस फैक्टर की बात मेंडल कर रहा था वो फैक्टर कुछ और नहीं बल्कि क्या है, जीन। जीन कहाँ प्रेजेंट होता है, तो हम कहते हैं डीएनए के ऊपर। तो जीन है क्या चीज, तो हम कह देंगे इट इज अ पर्टिक्यूलर सेगमेंट ऑफ डीएनए। याद रखना जीन क्या है, पर्टिक्यूलर सेगमेंट ऑफ डीएनए है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहेरिटेंस। हम कहते हैं विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहेरिटेंस एंड एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टर्स। सो अगर आप फैक्टर और जीन का डेफिनेशन देखोगे तो दोनों के दोनों डेफिनेशन ऑलमोस्ट सेम है, क्योंकि दोनों क्या बात कर रहे हैं, एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टर्स। तो ये जो है बेसिकली क्या बन जाता है, जीन का डेफिनेशन। अब सवाल ये उठता है कि जीन टर्म जो है किसने दिया, तो याद रखना देयर वॉज अ साइंटिस्ट इन द नेम ऑफ जोहानसन। जोहानसन नाम के एक साइंटिस्ट ने जीन टर्मिनोलॉजी को प्रेजेंट किया। अब दो तरह की चीजें होती है, जैसे कुछ कैरेक्टर्स दिखते हैं हमेशा हर पल हर जनरेशन में, उसे हम क्या कह देते हैं, उसे हम कहते हैं डोमिनेंट। जो हर कंडीशन में दिखाई दे जाए उसे डोमिनेंट कहते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में दिखाई दे उसे रिसेसिव कहते हैं। सो अगर अब डेफिनेशन पूछा जाए डोमिनेंट का डेफिनेशन क्या है, तो हम ये कह सकते हैं कि अलील दैट एक्सप्रेसेस इट्स ट्रेट, अलील दैट एक्सप्रेसेस इट्स ट्रेट इवन इन द प्रेजेंस ऑफ, इवन इन द प्रेजेंस ऑफ एन ऑल्टरनेटिव अलील। मतलब ऑल्टरनेटिव अलील है फिर भी वो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, तो उसे हम क्या कह देते हैं, डोमिनेंट अलील। मतलब वो जो हर हाल में हर कंडीशन में अपने आप को एक्सप्रेस कर जाए वो है डोमिनेंट। एग्जांपल जैसे मान लो कैपिटल टी, ये कैपिटल टी टॉल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो दो पॉसिबिलिटी होती है, एक तो ये है कि कैपिटल टी एक साथ हो और कैपिटल टी स्मॉल टी हो। अब स्मॉल टी क्या होता है, डॉर्फ के लिए है, लेकिन इन दोनों कंडीशन में अगर वो प्लांट टॉल हो रहा है तो हम मैं ये कह सकता हूं कि जो कैपिटल टी है वो डोमिनेंट है, इसे हम डोमिनेंट अलील कहते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब भी आप डोमिनेंट लिख रहे हो, डोमिनेंट याद रखना हमेशा हम कैपिटल अल्फाबेट में लिखते हैं, डोमिनेंट हमेशा कैपिटल अल्फाबेट में लिखा जाता है। क्यों, क्योंकि मेंडल ने कैपिटल अल्फाबेट का यूज किया था, इसलिए हम उसे इस तरीके से फॉलो करते हैं। अच्छा डोमिनेंट के बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है वो क्या है, रिसेसिव। अब रिसेसिव का डेफिनेशन क्या होगा, सो अलील दैट एक्सप्रेसेस इट्स ट्रेट इन द एब्सेंस ऑफ एन अल्टरनेटिव अलील, ये बात ध्यान रखिएगा। तो हम कहते हैं रिसेसिव में अलील दैट एक्सप्रेसेस इट्स ट्रेट, that expresses its trait in the absence of, allele that expresses its trait in the absence of an
ऑल्टरनेटिव अलील, उसे हम कह देते हैं रिसेसिव। मतलब अगर ऑल्टरनेटिव अलील प्रेजेंट है तो एक्सप्रेस कभी नहीं कर सकता। जैसे फॉर एग्जांपल कैपिटल टी का ऑल्टरनेटिव क्या था, स्मॉल टी। तो यहां पे अगर स्मॉल टी साथ में है तब जाकर के तो एक्सप्रेस कर देगा कि ये डॉफ है। लेकिन अगर उसी का जो है ऑल्टरनेटिव अलील प्रेजेंट है तब ये कभी लाइफ में नहीं एक्सप्रेस कर सकता कि ये क्या है, डॉफ है। और सबसे खास बात, रिसेसिव जब भी आप लिखोगे आप उसे लोअर केस अल्फाबेट में लिखते हो या आप कह सकते हो स्मॉल अल्फाबेट में लिखा जाता है। क्यों स्मॉल? क्योंकि मेंडल ने लिखा था। रिसेसिव के बाद जो एक इंपॉर्टेंट चीज आएगी वो है फिनोटाइप। फिनोटाइप का मतलब क्या होता है? फिनो का मतलब होता है एक्सटर्नल, एक्सटर्नल अपियरेंस, आपको दिखने में कैसा है। द एक्सटर्नल अपियरेंस ऑफ एन इंडिविजुअल फॉर एनी ट्रेट, इसे हम फिनोटाइप कहते हैं। तो डेफिनेशन क्या हो गया, द एक्सटर्नल अपियरेंस, फिनोटाइप का डेफिनेशन क्या होगा, द एक्सटर्नल अपियरेंस ऑफ एन इंडिविजुअल फॉर एनी ट्रेट। तो हम जो कहेंगे वो है फिनोटाइप। तो जो भी दिखेगा आपको, तो बेसिकली अगर मैं फिनोटाइप को एक सिंपल भाषा में बताना चाहूं तो ये वो कैरेक्टर्स है जो विजिबल है, जो दिख रहा है उसे हम कहते हैं फिनोटाइप। जैसे एक एग्जाम्पल लें, कोई मान लो बहुत गोरा इंसान है, फेयर है, सो लॉजिकली वो दिखने में फेयर है, मतलब मान लीजिए कैपिटल एफ। पर अगर स्मॉल एफ है तो वो दिखने में फेयर है लेकिन उसके पास डार्क कलर का भी जीन है, तो उसे हम कहते हैं फिनोटाइप। यहाँ पे फेयर में तीन ऑप्शन है, ये आपको दूसरा ऑप्शन भी मिलता है फेयर का। तो यहाँ पर वो इंसान भले दिख रहा है फेयर, कंडीशन ये आता है कि वो हेट्रोजाइगस है या होमोजाइगस है, तो उस हिसाब से हम बात करेंगे। तो एग्जाम्पल एक और ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए टॉल। अब टॉल जो हमें दिख रहा है वो है फिनोटाइप, लेकिन वो कैसा टॉल है, होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है, वो हमें तभी पता चलेगा जब हमें उसका क्या मालूम पड़ेगा, बेसिकली जीनोटाइप। सो जीनोटाइप क्या होता है? तो जीनोटाइप को हम क्या कहेंगे, इट इज, व्हाट इज जीनोटाइप, इट इज द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो आप कह सकते हो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन इंडिविजुअल, इट इज अ जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन इंडिविजुअल विथ रिस्पेक्ट टू सिंगल कैरेक्टर, विथ रिस्पेक्ट टू सिंगल कैरेक्टर। ये जो है ये आपका क्या बन जाएगा, बेसिकली जीनोटाइप। मतलब जैसे अगर आपने फेयर कह दिया तो फेयर का जीनोटाइप क्या है, वो होमोजाइगस फेयर है या हेट्रोजाइगस फेयर है, वो एक ऑप्शन है। दूसरा एग्जांपल आप ले लो टॉल, टॉल तो वो दिखने में था जीनोटाइप, तो यहाँ पे जो ऑप्शन आ जाता है वो है कैपिटल टी या कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये कहानी जो है वो जीनोटाइप हो जाती है। अच्छा, इसी से हमें ये भी पता चलता है, क्योंकि बहुत बार हमने एक चीज ये भी देखी है कि पेरेंट्स दोनों टॉल हैं, पेरेंट्स जो हैं बेसिकली दोनों के दोनों टॉल है, मम्मी भी टॉल है पापा भी टॉल है, लेकिन उनका जो बच्चा आता है वो डॉफ होता है, वो बेचारा बौना पैदा होता है। तो इस कहानी से हमें ये समझ में आ रहा है कि फिनोटाइपिकली पेरेंट्स टॉल थे लेकिन जीनोटाइप के हिसाब से ये हेट्रोजाइगस थे, और इस वजह से ये हुआ कि एक ये पॉसिबिलिटी है स्मॉल टी जो है ये साथ में आ गए, इस वजह से बच्चा डॉफ हो गया। तो ये जीनोटाइप से पता किया जा सकता है। जैसे दो कपल हो, बेसिकली एक कपल हो, हस्बैंड एंड वाइफ, दोनों गोरे गोरे हैं लेकिन फिर भी उनका बच्चा ब्लैक हो सकता है, क्या रीजन होगा, तो स्मॉल एफ अगर साथ में आ जाता है तो बच्चा क्या हो जाता है, ब्लैक हो जाता है। जो नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी हमें समझनी है उसे हम कहते हैं जीनोम। जो नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी हमें समझनी है उसे हम कहते हैं जीनोम। अब जीनोम क्या होता है, इट इज नथिंग बट एंटायर जेनेटिक
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. क्या होता है जीनोम? एंटायर जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. तो उसे जो है हम क्या नाम देते हैं? जीनोम. पूरा का पूरा जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन जब आप पढ़ते हैं तो उसे हम जीनोम का नाम देते हैं. अब यहाँ पे नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी जो आएगी वो है होमोजाइगस. ये बार बार जेनेटिक्स में आता है, होमोजाइगस, हेटरोजाइगस. होमोजाइगस होता क्या है? होमोजाइगस का मतलब हुआ एन इंडिविजुअल हैविंग सिमिलर एलील फॉर अ पर्टिकुलर ट्रेट. तो हम कहते हैं एन इंडिविजुअल पजेसिंग, एन इंडिविजुअल पजेसिंग सिमिलर एलील, एन इंडिविजुअल पजेसिंग सिमिलर एलील फॉर अ पर्टिकुलर ट्रेट, फॉर अ पर्टिकुलर ट्रेट. इसको जो है हम होमोजाइगस का नाम देते हैं. इंडिविजुअल पजेसिंग सिमिलर एलील फॉर अ पर्टिकुलर ट्रेट इज होमोजाइगस. अब एग्जांपल क्या लेंगे हम? कैपिटल टी होमोजाइगस है, या तो स्मॉल टी होमोजाइगस है, क्योंकि दोनों के दोनों क्या हैं? सेम है. और होमोजाइगस से बाहर निकल के जो दूसरा वर्ड आएगा, जो दूसरा टर्मिनोलॉजी है, वो हेटरोजाइगस. हेट्रो का मतलब ही होता है डिफरेंट. तो हम कहते हैं हेट्रो मतलब एन इंडिविजुअल पजेसिंग, एन इंडिविजुअल पजेसिंग डिसिमिलर एलील, एन इंडिविजुअल पजेसिंग डिसिमिलर एलील्स फॉर अ पर्टिकुलर ट्रेट. एक इंडिविजुअल जो है बेसिकली डिसिमिलर एलील पजेस करेगा, उसे हम हेट्रोजाइगस कह देते हैं. अब यहां पे हेट्रोजाइगस तो आप आराम से गेस कर सकते हो, वो होगा कैपिटल टी स्मॉल टी, ये बन जाता है हेट्रोजाइगस. एक मजेदार चीज है जो मेंडल के एक्सपेरिमेंट में बार बार वर्ड आएगा, वो है प्योर लाइन. प्योर लाइन का मतलब मेंडल ने जब भी एक्सपेरिमेंट किया वो हेट्रोजाइगस कैरेक्टर्स को लेके उन्होंने कभी नहीं किया, वो हर पल प्योर लाइन के ऊपर विश्वास रखते थे. तो प्योर लाइन होता क्या है? तो हम कहते हैं प्योर लाइन इज नथिंग बट इंडिविजुअल जो होमोजाइगस होगा. तो हम कहते हैं प्योर लाइन इज नथिंग बट इंडिविजुअल होमोजाइगस और ब्रीडिंग ट्रू, होमोजाइगस और ब्रीडिंग ट्रू फॉर अ पर्टिकुलर ट्रेट, होमोजाइगस और ब्रीडिंग ट्रू फॉर अ पर्टिकुलर ट्रेट. तो उसे हम कहते हैं प्योर लाइन. मतलब कैपिटल टी हो गया या स्मॉल टी हो गया, ये बेसिकली सब के सब जो है किस में आ जाएंगे? प्योर लाइन में आ जाएंगे. लेकिन प्योर लाइन को ऑब्टेन करने के लिए मेंडल ने किया क्या था? तो प्योर लाइन तो हमें, हम जब अल्फाबेट लिखते हैं कैपिटल टी या कैपिटल टी स्मॉल टी, तो हमें पता चलता है ये क्या है, प्योर लाइन है. लेकिन मेंडल के लिए तो सामने एक ट्री है. जैसे मैं आपको ये दिखा दूं कि ये एक पी का प्लांट है. अब देखने में ये आपको टॉल लग रहा है, तो आप बिल्कुल भी नहीं प्रिडिक्ट कर पाओगे कि ये कौन सा टॉल है, हेट्रोजाइगस टॉल है या होमोजाइगस टॉल है. तो मेंडल के लिए भी यही इशू था, और एक्सपेरिमेंट करने से पहले हमेशा प्योर लाइन करते थे. तो प्योर लाइन ऑब्टेन कैसे होता है? तो हम कहते हैं इट इज ऑलवेज ऑब्टेन्ड बाय सेल्फ पॉलिनेशन. मतलब इसी प्लांट का आप क्या कर दो? सेल्फ पॉलिनेशन कर दो, तो उससे आने वाली जनरेशन जो भी होगी आपको मालूम पड़ जाएगा. जैसे अगर आपने इसका सेल्फ पॉलिनेशन किया फॉर एग्जाम्पल, तो अगर आपको सारे टॉल मिल गए, सारे टॉल, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. ये हमें समझ में आ गया कि इसका जो जीनोटाइप है वो ये है. लेकिन एक ऑप्शन ये भी है कि आपको कुछ टॉल मिल जाए और कुछ डॉफ मिल जाए. और अगर आपको टॉल और डॉफ दोनों मिल रहे हैं, तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि इस प्लांट का जीनोटाइप क्या है? कैपिटल टी स्मॉल टी है. ये बात आप ध्यान में रखिएगा. तो कहीं ना कहीं इस चीज को आपको ध्यान में रखना होगा कि मेंडल अपने एक्सपेरिमेंट्स को करने के लिए हमेशा प्योर लाइन का इस्तेमाल करते थे. अब एक बहुत प्यारा वर्ड है जो आप सबको पता है, वो वर्ड है हाइब्रिड. सवाल ये उठता है कि हाइब्रिड होता क्या है? तो हाइब्रिड को आप कह सकते हो इट इज हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल. हाइब्रिड क्या है?
तो हम कहते हैं इट इज हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल, हेट्रोजाइगस है, प्रोड्यूस्ड फ्रॉम, हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल है प्रोड्यूस्ड फ्रॉम क्रॉस इन्वॉल्विंग प्योर पेरेंट्स, क्रॉस इन्वॉल्विंग प्योर पेरेंट्स, इट इज अ हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल प्रोड्यूस्ड फ्रॉम क्रॉस इन्वॉल्विंग प्योर पेरेंट्स हैविंग वन और मोर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, ये बात ध्यान रखना, हैविंग वन और मोर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स, तो इसी को जो है बेसिकली हम हाइब्रिड्स का नाम देते हैं। ये हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल्स हैं जो किसी भी क्रॉस से प्रोड्यूस होंगे जब प्योर पेरेंट्स को क्रॉस किया जाएगा। अब अगर प्योर पेरेंट्स की आप क्रॉसिंग कर रहे हो तो आप उसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो देख लो, एक पेरेंट्स हमने ले लिया कैपिटल टी ये प्योर पेरेंट है, स्मॉल टी ये प्योर पेरेंट है। अब जब आप इनका गैमेट्स निकाल दोगे तो बन गया कैपिटल टी का एक गैमेट, दूसरा गैमेट जो आपको बन जाएगा वो है स्मॉल टी का गैमेट, इनको जब आप क्रॉस कर दोगे तब आपको क्या मिल जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, और यही कैपिटल टी स्मॉल टी क्या बन जाता है, हाइब्रिड। तो डेफिनेशन बहुत क्लियर है कि इट इज हेट्रोजाइगस क्योंकि कैपिटल टी स्मॉल टी है, इट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम क्रॉसिंग प्योर पेरेंट्स, तो ये जो दिख रहे हैं कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी, ये क्या है, बेसिकली प्योर पेरेंट्स हैं। अब यहाँ पे हमने एक ही कैरेक्टर लेके चला जो था हाइट। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो हमें पढ़ना है और मेंडल ने अपने क्रॉस के लिए भी उसे यूज किया था, वो है मोनोहाइब्रिड क्रॉस या फिर डाई हाइब्रिड क्रॉस या फिर ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। तो जैसे मैंने कहा मोनोहाइब्रिड, मतलब इसका डेफिनेशन क्या होगा, हम कह देंगे क्रॉस बिटवीन टू प्योर पेरेंट्स, क्रॉस बिटवीन टू प्योर पेरेंट्स डिफरिंग इन, क्रॉस बिटवीन टू प्योर पेरेंट्स डिफरिंग इन सिंगल पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, ये बात ध्यान में रखना, क्रॉस बिटवीन टू प्योर पेरेंट्स डिफरिंग इन सिंगल पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, इसको हम कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अच्छा, इसका क्या हम और कोई डेफिनेशन दे सकते हैं, बिल्कुल हाँ, तो हम कहते हैं क्रॉस बिटवीन टू प्योर पेरेंट्स इन विच इनहेरिटेंस पैटर्न, इन विच इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ ओनली वन कैरेक्टर इज स्टडीड, ऑफ ओनली वन कैरेक्टर इज स्टडीड। तो ये जो है ये भी एक तरह से मोनोहाइब्रिड क्रॉस हो गया, मतलब कहने का मुद्दा सिर्फ इतना ही है कि पूरा का पूरा सिर्फ एक ही जगह पे एक ही वर्ड पे फोकस कर रहा है, वो है एक कैरेक्टर, एक ही कैरेक्टर को लेकर के आप स्टडी कीजिए, बाकी कैरेक्टर्स हो सकता है एक दूसरे से डिफर करते हो लेकिन उससे आपका कोई लॉजिक नहीं होना चाहिए। मतलब अगर मेंडल ने हाइट पे फोकस किया एज अ कैरेक्टर तो मेंडल को कोई फर्क नहीं पड़ता उस प्लांट का पॉड का कलर क्या है, फ्लावर का कलर क्या है या कुछ भी हो, मेंडल ने उस पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि उनका मेन क्रॉस था हाइट। वैसे ही डाई हाइब्रिड का भी डेफिनेशन बन जाएगा, तो जब आप डाई हाइब्रिड का डेफिनेशन की बात करोगे तब आप यही डेफिनेशन को यूज करोगे सब कुछ, बस फर्क सिर्फ क्या होगा, सिंगल की जगह पे आप बोलोगे टू, वन की जगह पे आप बोलोगे टू, तो क्या डेफिनेशन बन जाएगा, आप ऊपर वाले डेफिनेशन से डाई हाइब्रिड का भी लिख सकते हो, क्रॉस बिटवीन टू प्योर पेरेंट डिफरिंग इन टू पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, ये एक बन गया। दूसरा आप क्या कह सकते हो, क्रॉस बिटवीन टू प्योर पेरेंट्स इन विच इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ ओनली टू कैरेक्टर इज स्टडीड या आर स्टडीड। तो बेसिकली ये जो बन गया ये आपका डेफिनेशन बन जाता है डाई हाइब्रिड क्रॉस का। इसके बाद हमें एक सिंपल सा क्रॉस देख करके बहुत सारी छोटी छोटी टर्मिनोलॉजीज को स्टडी करनी है, तो चलो वो भी पार्ट कर लेते हैं। तो ये जो क्रॉस हम करेंगे इसमें आपको बहुत सारे छोटे छोटे डेफिनेशंस मिल जाएंगे, जैसे
F1 जनरेशन क्या होता है, F2 जनरेशन क्या होता है, फिर उसके बाद आप पढ़ोगे इसमें पुनेट स्क्वायर क्या होता है, और पुनेट स्क्वायर के बाद आप होमोलॉगस कंडीशन या होमोजाइगस हेटरोजाइगस ये सारी चीजें क्या होती हैं, ये सब आपको इस क्रॉस में क्लियर होगा। क्रॉस करने का एक यूनिवर्सल रूल है, आप उस रूल को पहले समझो। जब भी आप क्रॉस करो, जब आप आंसर लिखो, तो सबसे पहले यहाँ लिख लो पेरेंट्स। एक बात तो प्योर है कि पेरेंट्स हमेशा प्योर ही होंगे, तो हम पेरेंट्स के नाम पे क्या लिख लेंगे, प्योर टॉल प्लांट। अब इस प्योर टॉल प्लांट को हम क्रॉस करेंगे प्योर डॉफ प्लांट से। देखो डॉफ प्लांट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि डॉफ होगा तो आप सीधा जीनोटाइप कह दोगे स्मॉल टी स्मॉल टी। प्रॉब्लम सिर्फ कहाँ होती है, टॉल में। तो प्योर टॉल लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेल्फ पॉलिनेशन करना पड़ेगा 3 से 4 जनरेशन तक, ताकि आपको प्योर प्लांट मिल पाए। अच्छा, पेरेंट्स के बाद जो आएगा वो है जीनोटाइप। इनका जीनोटाइप क्या है, तो जैसे आपने कह दिया प्योर टॉल, तो जीनोटाइप हो गया कैपिटल टी कैपिटल टी। प्योर डॉफ, जीनोटाइप हो गया स्मॉल टी स्मॉल टी। जीनोटाइप आने के बाद आप इनका क्या निकालोगे, तो हम कहते हैं गैमेट्स। तो अगर आपने गैमेट्स निकाला, तो बेसिकली पहला गैमेट है कैपिटल टी, और जो दूसरा गैमेट होगा उसे हम कह देते हैं स्मॉल टी। तो कैपिटल टी स्मॉल टी आपके गैमेट्स मिल गए। गैमेट्स मिलने के बाद आप नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट करने वाले हो वो है क्रॉस पॉलिनेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है। आप क्या करोगे, एक को मेल प्लांट मान लोगे, एक को फीमेल, और जिसको आपने मेल माना उसका पोलिन ग्रेन लेकर के फीमेल के स्टिग्मा पे आप डस्ट कर दोगे, और जब डस्ट कर देंगे तो हमें मिलता है कैपिटल टी स्मॉल टी। ये कैपिटल टी स्मॉल टी बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये फर्स्ट जनरेशन आ गया, तो इसे हम कहते हैं F1 जनरेशन। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब भी आप F1 जनरेशन को ऑब्टेन करने की कोशिश करोगे, वो हमेशा और हमेशा क्रॉस पॉलिनेशन से ही आएगा। इसे हम मैं क्या कह दूंगा, हाइब्रिड टॉल। एक ऑप्शन ये है मेरे पास, या अगर मैं इसे चाहूं तो एक और नाम दे सकता हूं, हेट्रोजाइगस टॉल। ये दो वर्ड बन गया। ये F1 जनरेशन के लिए हमेशा हमें क्या करना है, क्रॉस पॉलिनेशन, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। इसके बाद ये जो आ गया, हम इसका क्या करते हैं, हम नेक्स्ट स्टेप जाते हैं। तो अब चाहे आप F2 जनरेशन निकालो, या F3 निकालो, F4 निकालो, F5 निकालो, F6 निकालो, कोई भी जनरेशन निकाल लो, वो सब सेल्फ पॉलिनेशन से होगा। सिर्फ F1 जनरेशन निकालने के लिए आप क्या करते हो, क्रॉस पॉलिनेशन करते हो, बाकी सारे जनरेशन के लिए आप क्या करोगे, सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन मतलब इसी का पोलिन ग्रेन आप इसी के स्टिग्मा पे क्या करते हो, ड्रॉप करते हो, जैसे हम जो है सेल्फ पॉलिनेशन के नाम पे जानते हैं। अब यहाँ पर एक बॉक्स बनता है, यहाँ पर एक स्क्वायर बनता है, और इसी स्क्वायर को बेसिकली हम पुनेट्स स्क्वायर का नाम दे देते हैं। ये जो स्क्वायर हम बना रहे हैं ये क्या है बेसिकली, तो हम कहते हैं पुनेट्स स्क्वायर। अब पुनेट स्क्वायर जो है क्या होगा, तो याद रखना कि मेंडल का एक दोस्त था बेसिकली, जिसका नाम है रेगिनाल्ड सी पुनेट, और मेंडल के दोस्त ने मेंडल को बेसिकली ये जो है क्रॉस दिया हुआ था, और इसी की वजह से मेंडल जो है ये क्रॉस कर पाए थे। तो यहाँ पर हमने ऐसे एक बॉक्स यहाँ से बना लिया, एक बॉक्स जो है यहाँ से बना लिया, तो ये हमारी बन गई। अब यहाँ पे ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिस पे हमें फोकस करनी है। तो ये इस तरीके से जो है हम एक स्क्वायर बना के रेडी कर सकते हैं। तो ये बन गया मेंडल का पुनेट स्क्वायर। अच्छा, अब यहाँ पे एक तरफ जो है आप ऐसे लाइन बनाओगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। ये लाइन क्या है, तो ये आप दिखाओगे मेल और फीमेल का लाइन। तो इस तरफ चलो हमने सर्कल और एरो बना लिया, तो इस तरफ जितने भी हैं सब मेल हैं, सर्कल और प्लस बना लिया, तो इस तरफ जितने भी हैं सब फीमेल हैं। अब गैमेट्स कैसे बनेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी है तो दो ही गैमेट बन रहे हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, वही सेम यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी। अब आप इन्हें क्रॉस कर दो, तो ये कैपिटल टी ये कैपिटल टी एक साथ आ गया, ये कैपिटल टी ये स्मॉल टी एक साथ आ गया, यहाँ पे भी कैपिटल टी स्मॉल टी आ गया और स्मॉल टी आ गया। सवाल ये उठता है, कैपिटल टी को आप क्या कह दोगे, तो आप कहोगे प्योर टॉल। स्मॉल टी को आप क्या कह दोगे, प्योर
प्योर डॉर्फ। कैपिटल टी स्मॉल टी को आप क्या कह दोगे? हाइब्रिड टॉल। मतलब ये दिखने में टॉल है पर एक्चुअल में जेनेटिकली या जीनोटिपिकली टॉल नहीं है, तो ये बन गया आपका हाइब्रिड टॉल। तो ये जो बॉक्स आपको मिला ना, इसी बॉक्स को हमने क्या नाम दिया है? पुनेट्स स्क्वायर। अच्छा, पुनेट स्क्वायर तो एक नाम हो गया, इसको एक और नाम से जाना जाता है जिसको आप चेकर्स बोर्ड के भी नाम पे जानते हो, चेक करने वाला बोर्ड। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज चेकर्स बोर्ड। तो इसको आप चेकर्स बोर्ड कह लो या पुनेट स्क्वायर कह लो। तो ये किसने दिया? तो मेंडल के बेसिकली एक फ्रेंड थे जिनका नाम है रेगिनाल्ड सी पुनेट, और रेगिनाल्ड सी पुनेट वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने पुनेट स्क्वायर दिया। अब ये जो आपको मिला ये बॉक्स, इसे हम कहते हैं एफ टू जनरेशन। अब आप चाहो इसके आगे और सेल्फ पॉलिनेशन कर लो तो एफ थ्री जनरेशन। तो याद रखने वाली बात क्या होगी कि सिर्फ एफ वन जनरेशन के लिए हम क्रॉस पॉलिनेशन करते हैं, उसके बाद एफ टू एफ थ्री एफ फोर कोई भी जनरेशन निकाल लो उसे हम सेल्फ पॉलिनेशन से ही लाएंगे। सवाल ये उठता है, ये जो हम एफ वन एफ टू ये सब कह रहे हैं, ये जो एफ शब्द है इसका मतलब क्या होता है? एफ का मतलब होता है फिलियल, फिलियल, या आप इसे फिलिन भी कह सकते हो। एफ का मतलब होता है फिलियल और फिलिन, जिसका मतलब होता है सन या तो डॉटर, जो हमने मेल और फीमेल लिया। तो जो एफ वर्ड है वो है फिलियल और फिलिन। तो इस तरीके से हमें ये पूरा मिलेगा। अच्छा, यहां पर सर्कल और एरो ये डिनोट कर रहा है मेल के लिए, सर्कल और प्लस ये डिनोट कर रहा है फीमेल के लिए। तो ये बहुत जरूरी है क्योंकि क्रॉसिंग जो भी हम करेंगे बेसिकली जो है मेल और फीमेल के बीच में करेंगे, तो ये सारे पैटर्न्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं क्रॉस के लिए। अब इसके बाद जो एक इंपॉर्टेंट वर्ड निकल के सामने आ रहा है वो है होमोलॉगस। देखो, होमोजाइगस और होमोलॉगस दोनों में बहुत फर्क है। होमोलॉगस मतलब क्या? जो सिमिलर क्रोमोसोम होंगे डिप्लॉइड सेल में, तो हम कह देते हैं कि सिमिलर क्रोमोसोम इन डिप्लॉइड सेल। तो कोई भी जो डिप्लॉइड सेल होगा बेसिकली उसके अंदर जो है आपको क्या मिलेगा, तो हम कहते हैं सिमिलर क्रोमोसोम इन डिप्लॉइड सेल, वो हो गया होमोलॉगस। या फिर आप कह दो मॉर्फोलॉजिकली एंड स्ट्रक्चरली आइडेंटिकल कोई हो, तो हम कहते हैं मॉर्फो लॉजिकली एंड स्ट्रक्चरली आइडेंटिकल, जो एग्जैक्टली सेम दिखेगा तो उसे हम क्या कह देते हैं? हम कह देते हैं होमोलॉगस। आइडेंटिकल जीन बेयरिंग अलील, तो यहाँ पे इसका एक और डेफिनेशन आप कह सकते हो, आइडेंटिकल जीन बेयरिंग अलील। तो ये सब एक डेफिनेशन हो गया। अब यहां पर हमें कुछ और डेफिनेशन पढ़ने होंगे इस बॉक्स को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे इस बॉक्स में दिखने में कितने टॉल है तो हम कहते हैं तीन, पर वाकई में कितने टॉल है तो हम कहते हैं दो। तो अब इसी को ध्यान में रखते हुए हम जो है दो डेफिनेशन और लाते हैं। पहला डेफिनेशन होता है फिनोटिपिक रेशियो। ये वर्ड क्या है? फिनोटिपिक रेशियो मतलब द रेशियो ऑफ इंडिविजुअल्स ऑब्टेंड इन एफ टू जनरेशन, द रेशियो ऑफ इंडिविजुअल्स ऑब्टेंड इन एफ टू जनरेशन बेस्ड ऑन देयर फिनोटाइप। तो आप अगर उस बॉक्स को ध्यान से देखोगे तो आपको फिनोटाइप में आपको मिल जाएगा कि जो रेशियो होगा वो 3:1 का होगा, क्योंकि हमें तीन उसमें टॉल दिख रहे हैं, एक क्या दिख रहा है? डॉग दिख रहा है। तो ये बन गया फिनोटिपिक रेशियो। दूसरा जो डेफिनेशन हमें पढ़ना है वो है जीनोटिपिक रेशियो। अब जीनोटिपिक रेशियो क्या होता है? तो जीनोटिपिक रेशियो बेसिकली जीन के ऊपर बेस्ड होगा। तो हम ये कहते हैं कि द रेशियो ऑफ इंडिविजुअल्स ऑब्टेंड इन एफ टू जनरेशन, द रेशियो ऑफ इंडिविजुअल्स ऑब्टेंड इन एफ टू जनरेशन
बेस्ड ऑन देयर जीनोटाइप। आप जीन लेवल पे अब आप स्टडी कर रहे हो और उसे बता रहे हो, तो जैसे ही आपने इसको जीन लेवल पे स्टडी किया आपने उसे कह दिया जीनोटाइप। तो जीनोटाइप में देखिए, एक आपको प्योर टॉल मिल जाएगा, दो आपको हाइब्रिड टॉल, एक प्योर डॉग। मतलब अगर मैं इसका जीनोटाइप लिखना चाहूं तो एक आपको क्या मिला है कैपिटल टी कैपिटल टी, दो आपको क्या मिला है कैपिटल टी स्मॉल टी, एक क्या मिला है स्मॉल टी स्मॉल टी। तो ये जो बना, अगर आप इसको कहना चाहो तो ये क्या है, तो एक आपको मिला प्योर टॉल, दूसरा आपको क्या मिल गया, एक वो है प्योर डॉग, और दो क्या है तो हम कहते हैं हाइब्रिड टॉल। तो बेसिकली इस तरीके से जाकर के आपको जीनोटिपिक रेशियो मिलता है जीन लेवल पे, जो आप कहते हो 1:2:1, ये बन गया जीनोटिपिक रेशियो। तो यहाँ पे सारी टर्मिनोलॉजीज जो है बेसिकली खत्म होती हैं।